हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MDK एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लो तो आपका एक नंबर एग्जाम में पक्का समझो। और इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है, बस 25 से 30 नाम आपको याद करने हैं, और वो भी मैं आपको इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। जिनमें ट्रिक लगती होगी उसमें ट्रिक लगाएंगे, बाकी उसको सिंपली याद कर लेंगे। तो 25 से 30 नामों को अगर याद करके आप एक नंबर पक्का कर सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना। और हाँ, अगर आप PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम सेम MDK एजुकेशन नाम से है, सेम लोगो एंड सेम नेम है टेलीग्राम का भी, और उसको आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्कस में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का बगीचा, ये पूछा जाएगा कि भारत का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है। भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है बहरीन को। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अब इसे याद करने की सिंपल सी एक ट्रिक है। मोती क्या है, मोती नदी में बहते हुए आते हैं, मोती बहते हुए आते हैं, बह इस टाइप से हम इसको याद करेंगे, बहरीन। नेक्स्ट है, स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है। स्मारकों की नगरी कहा जाता है वियना को, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को, नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारी पवन चक्कियाँ होती हैं, इसीलिए उसे पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है। जिब्राल्टर को, जिब्राल्टर संधि है ना, तो उसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है। तो एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है, थाईलैंड को। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। और थाईलैंड एक देश है, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का पेरिस भी थाईलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश भी थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। बहुत ही आसान है ये, क्योंकि जो हिंद महासागर में श्रीलंका एक छोटे से मोती की तरह है, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया और ये यहाँ पे श्रीलंका है, एक छोटे से मोती की तरह है हिंद महासागर में, ये पूरा जो है हिंद महासागर में एक मोती की तरह है श्रीलंका, इसलिए हिंद महासागर को श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चीन का शोक, चीन का शोक किसे कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है हवांग हो नदी को, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको चीन का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नदी चीन में बहुत सारी तबाही मचा देती है, बाढ़ का कारण बनती है, चीन में बहुत सारी तबाही मचाती है, इसीलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार भारत में पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो ये बहुत ही आसान है, इसका नाम ही कुछ डेंजर टाइप का है, हवांग हो, तो इसे आप इजीएस्ट वे में याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है इसे याद करना। नेक्स्ट है, हज़ार झीलों की भूमि, हज़ार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, फिनलैंड को हज़ार झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड। देखिए, अभी आपको थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़ा सा अच्छा ना लग रहा हो आपको, लेकिन जब आप वीडियो को पूरा करोगे ना, और उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को दोबारा देखोगे, तो आपको बिल्कुल आसानी से ये नाम याद आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप बस सिंपली वीडियो को देखते रहो, आपको ऑटोमेटिकली याद होते चलेंगे। नेक्स्ट है, होली लैंड, होली लैंड किसे कहा जाता है। होली लैंड कहा जाता है जेरूसलम, जो कि इसराइल में है, इसराइल में है जेरूसलम, होली लैंड यानी कि पवित्र भूमि कहा जाता है जेरूसलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है। नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को, मिस्र को कहा जाता है नील नदी की देन। नेक्स्ट है, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहा जाता है एम्पायर सिटी, और न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। और मिस्र, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, काहिरा मिस्र की राजधानी है। नेक्स्ट है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है। यूरोप का प्लेग्राउंड यानी कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को। अब स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट,
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। भूटान की राजधानी अब क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है न्युगल ट्रम। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है भूटान की मुद्रा न्युगल ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी आप याद कर लो कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाथियों का देश किसे कहा जाता है? हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को। अब ये तो है हाथियों का देश और एक है सफ़ेद हाथियों का देश, तो इनमें आप कभी पजल मत होना। हाथियों का देश होगा लाओस और सफ़ेद हाथियों का देश होगा थाईलैंड। नेक्स्ट है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत छत कहा जाएगा पामीर का पठार। पामीर का पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? वेनिस मतलब कि, वेनिस का मतलब है शुक्र। तो शुक्र जो तारा होता है, शुक्र जो ग्रह होता है, सॉरी तारा बोल गया मैं, शुक्र ग्रह है, वो चमकीला ग्रह होता है, ठीक है, बहुत चमकता है। ऐसे ही इसी की तर्ज पर वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है स्टॉकहोम को, जो कि स्वीडन की राजधानी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकपिट ऑफ यूरोप। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, वो भी स्वीडन की सरकार देती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है, ये आप जल्दी से अभी कमेंट कीजिए, कमेंट में बताना कि आपको बेल्जियम की राजधानी पता है या नहीं पता है, और पता है तो इसकी राजधानी का नाम लिख देना, देखते हैं आप में से कितनों की इसकी राजधानी पता है। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप यानी अंधा महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। अब क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है? क्योंकि अफ्रीका में बहुत भूखमरी और गरीबी है, इसीलिए उसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चंस को ना रिलेट करते चला करो, जितनी भी नॉलेज आपके पास है एक दूसरे से उसको रिलेट करते चला करो, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजीली ईजिएस्ट वे में आपको याद हो जाएंगी, कभी नहीं भूलोगे ऐसे, अगर आप ऐसे याद करते हो। आपको पता है मैं जब सुपर जी के सीरीज़ कराता हूँ, एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस रिलेट करा के आपको याद करा देता हूँ, तो जब आप रिलेट करके याद करने लग जाओगे तो आप कभी नहीं भूलोगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है 60 टापों की नगरी किसे कहा जाता है? 60 टापों की नगरी कहा जाता है मुंबई को। मुंबई को 60 टापों की नगरी कहा जाता है, और स्वप्न नगरी भी मुंबई को ही कहा जाता है, स्वप्न नगरी भी मुंबई को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ये तो थी 7 टापों की नगरी मुंबई, अब है 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को, रोम जो कि इटली की राजधानी है रोम। नेक्स्ट है फोरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फोरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है ल्हासा को, ल्हासा को फोरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है ओसाका को, जो कि जापान में है, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा हो जाएगी येन, ठीक है, ये पूर्व में है जापान देश, तो पूर्व का मैनचेस्टर इस टाइप से आप ओसाका को याद कर सकते हो जो जापान में है। अब मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर मैंने आपको बताया था एक बार पहले वीडियो में कि मैनचेस्टर यूरोप में एक शहर का नाम है, जो शहर सूती कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए उसको मैनचेस्टर, जहाँ भी सूती कपड़े का जिक्र आए वहाँ मैनचेस्टर यूज़ किया जाता है। जैसे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, आपको पता होना चाहिए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए। नेक्स्ट है झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। एक आया था हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, जबकि झीलों का देश कहा जाता है स्कॉटलैंड को, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, पजल नहीं होना इसमें। नेक्स्ट है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा, हिंदी में बात करें तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है क्यूबा को, क्यूबा एक देश है जिसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोल लो या फिर चीनी का कटोरा कह लो, ठीक है। नेक्स्ट है गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है न्यूयॉर्क को, गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को। इसी से इमारतों से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया, भारत में
लाल इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? लाल इमारतों की नगरी किसे कहा जाता है? सॉरी, लाल कह गया मैं, गुलाबी इमारतों की नगरी, गुलाबी शहर, भारत में गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, स्वप्निल इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? स्वप्निल इमारतों का शहर कहा जाता है ऑक्सफोर्ड को। ऑक्सफोर्ड जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड को स्वप्निल इमारतों का शहर कहा जाता है, और स्वप्न नगरी किसे कहा जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट है, पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है रोम को। रोम जो कि इटली की राजधानी है, रोम, पश्चिम का बेबीलोन उसे कहा जाता है। उससे पहले अभी आया था थोड़ी देर पहले रोम, सात पहाड़ियों का नगर भी रोम को कहा जाता है, और पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत शहर के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत शहर यानी कि व्हाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है बेलग्रेड को। बेलग्रेड को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे? यूगोस्लाविया में है। बेलग्रेड किस नदी के किनारे बसा है? ये किस नदी के किनारे बसा शहर है बेलग्रेड? ये है डेन्यूब नदी के किनारे बसा। और इसी से मुझे याद आ गया नेक्स्ट टॉपिक अपना, एक अगला टॉपिक आपके लिए होगा नदियों के किनारे बसे शहर, वो भी मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आऊँगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले आपके सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और ये कराए हैं मैंने विश्व में प्रमुख भौगोलिक उपनाम। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही, अगर आप चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो तो भी मैं करा ही दूंगा कि भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम ये तो हैं विश्व के, भारत के भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप बस चिंता मुक्त हो जाइए और तैयारी करते रहिए। और हाँ, आप भी मुझे कमेंट में टॉपिक का नाम बता दिया करो कि नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं उसी टॉपिक को उसी प्रकार आपके लिए लाता रहूँ। ओके, फिर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, बेल आइकन को, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाए। अगर PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ओके, फिर बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।